फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसे यदि आप इस नवंबर के महीने में अपने प्लांट में डालते हैं तो प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और प्लांट आने वाली सर्दियों में बहुत ज़्यादा फूल देंगे। क्योंकि यदि हम प्लांट की अभी देखभाल नहीं करेंगे और अभी उसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो प्लांट में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और प्लांट की ग्रोथ बहुत ही धीमी होगी और प्लांट आने वाली सर्दियों में अच्छी तरह से फ्लोरिंग नहीं कर सकेगा। इसलिए ज़रूरी है कि प्लांट में अच्छे पोषक तत्वों से भरपूर अभी उनको फर्टिलाइज़र दिया जाए, साथ ही प्लांट की ज़रूरत से जुड़े जो भी काम हैं वो अच्छी तरह से किए जाएं तो प्लांट बहुत अच्छे फूल देगा। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ बिल्कुल होममेड फर्टिलाइज़र है, प्लांट को किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा, साथ ही आप किसी भी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, फूलों वाले, फलों वाले, सब्जियों वाले पौधों पर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व हैं। यदि प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आप इसे अभी दे दें, साथ ही यदि प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, नई ब्रांचेज नहीं निकल रही हैं तो आप इसे नाइट्रोजन रिच इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं, इससे प्लांट में नई ग्रोथ होने लगेगी। लेकिन फर्टिलाइज़र प्लांट को ग्रोथ देता है, फूल देता है, उसके साथ साथ ऐसा भी होना चाहिए जिससे कि प्लांट की सॉइल उपजाऊ बने। यदि प्लांट की मिट्टी सही नहीं होगी तो आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे वो फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को नहीं लगेगा। इसलिए ये जो मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ वो प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, साथ ही प्लांट की मिट्टी की पीएच को बैलेंस करेगा और पीएच थोड़ा सा एसिडिक कर देगा जिससे कि जो फूल वाले पौधे हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में फूल देंगे। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको ध्यान रखना है, प्लांट में किसी तरह का यदि इंसेक्ट है तो पहले आप उसका ट्रीटमेंट करें, नीम ऑयल का स्प्रे करें। यदि मिट्टी में किसी तरह का फंगस है तो अच्छे से फंगीसाइड का यूज़ करके पहले प्लांट को स्वस्थ बनाएं, उसके बाद ही फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं, इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है और प्लांट में कैसे डालना है। तो मेरे पास हैं ये केले के छिलके, मैंने फ्रेश केले के छिलके लिए हैं। आप 2 केले के छिलके ले लें। केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, इसके साथ ही फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे तत्व होते हैं। प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ करते हैं, जड़ों का विकास अच्छा होता है और यदि बर्ड्स गिरने की प्रॉब्लम है तो वह नहीं होती है और फूल भी प्लांट में अच्छे आकार के आते हैं। तो 2 केले के छिलके लेना है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर केले को एक जार में डालना है। इसके साथ ही मैं जो दूसरी चीज़ लेने वाली हूँ वो है ये फ्रेश टी लीफ। 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ लेनी है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है जिससे प्लांट की बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और फूल बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं। तो 1 चम्मच आप ये चाय पत्ती ले लें। इसके बाद तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये हल्दी पाउडर। लोगों की शिकायत रहती है यदि केले यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र में तो चींटियाँ आ सकती हैं, तो उनको रोकने के लिए, किसी तरह के इंसेक्ट को रोकने के लिए ये हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है प्लांट के लिए। इसलिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर का यूज़ करें। ये तीनों चीज़ें आपको 1 दिन के लिए पानी में भिगो कर रखना है। इस तरह से आप इतना पानी डालें कि अच्छी तरह से छिलके भीग जाएं। मैं 1 दिन के लिए रखूंगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसे यूज़ करना है। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा। देखिए पूरा कलर चेंज हो गया है। अब इस फर्टिलाइज़र को छान लेना है। तो 1 भाग फर्टिलाइज़र और 2 भाग सादा पानी मिलाना है। ये मैंने 1 भाग फर्टिलाइज़र ले लिया है और इसमें सादा पानी मिला लेना है। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे प्लांट की सॉइल में डालें, महीने में 1 बार, देखेंगे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। थैंक यू।